दोस्तों, इनकम टैक्स अमेंडमेंट जो 2018 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है, जो 2017 से 2018 में आ रहे हैं उनके लिए है। मेरा नाम सीएस के अग्रवाल, आईसीआई एंड आईसीएसए फैकल्टी, और मेरी ऑनलाइन वीडियो क्लासेस अवेलेबल है taxbykk.com में। ये बुकलेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको यूट्यूब के टाइटल में भी मिलेगा। आइए देखते हैं, हमें ये पार्ट टू है, हमने रेट ऑफ टैक्स ये सब कर चुके हैं, बाकी करते हैं। कैपिटल गेन का अमेंडमेंट, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चेंज हो गया है। पहले बेस ईयर 81-82 था, अब ये बेस ईयर 2001 और 2 कर दिया गया है। तो ये बेस ईयर का नंबर आपको याद करने के लिए एग्जाम पर्पस के लिए जरूरी नहीं होती है। और पहले जब अगर एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 1981, देन यू हैड ए चॉइस। नाउ इफ द एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, देन यू हैव ए चॉइस, इधर फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट, विच एवर इज हायर लेते हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में जो चेंज हुआ है वो लैंड और बिल्डिंग और बोथ, जो पहले 36 मंथ था अब वो 24 मंथ्स हो गया है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लैंड और बिल्डिंग का अगर 24 महीने से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म, अप टू 24 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म, बाकी सारा कुछ सेम है। और ये नया एसेट है, पहले भी था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो गोल्ड के साथ इक्वेट कर दिया गया है, उसका भी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ है। तो अगर आप 24 मंथ्स देखेंगे तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स 24 मंथ्स, लैंड बिल्डिंग और बोथ 24 मंथ्स, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये सब 12 मंथ्स, और बाकी सारे एसेट्स गोल्ड, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, पेंटिंग ड्राइंग एक्सेट्रा, इनटेंजिबल एसेट्स 36 मंथ्स है। इसके बाद एक और अमेंडमेंट आई कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होता है तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर जब से खरीदा तब से काउंट करेंगे। फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि ओरिजिनल एसेट जब से एक्वायर किया तब से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ये चेंज हो गया। तीन तरह के गिफ्ट थे, कैश गिफ्ट, लैंड और बिल्डिंग का गिफ्ट, और जेट पीबी की सास। जेट पीबी के सास का फुल फॉर्म हमने लिखा नहीं है, हम बता देते हैं आपको। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, बुलियन, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। पहले क्या था कि डोनर और सेलर सब कुछ सेम था, एनी पर्सन, कोई भी कंपनी भी, लेकिन डोनी में सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ लिखा हुआ था। ये सारा काट दिया गया, ना डोनी या बायर एनी पर्सन होगा, यानी कोई भी किसी को भी गिफ्ट देगा कैश में एक्सीडिंग ₹50,000, देन होल ऑफ दैट अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो इवन द कंपनी इज रिसीविंग गिफ्ट, then it is taxable। अब ये बहुत सारा चार्ट है, 2006 ये सब में क्या था, आपके लिए ये वाला है कैश, ये एक्सीडिंग 50,000। और बाकी conditions याद रखिएगा, कैश में एग्रीगेट लिखा हुआ है, लैंड ऑफ बिल्डिंग में एग्रीगेट नहीं लिखा हुआ, जेट पीबी की सास में एग्रीगेट लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। दूसरा, ये सेक्शन 58 सबसेक्शन 1A लेके आए, जहां पर जो conditions था, पेमेंट मेड टू रेजिडेंट विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एज सोर्स, देन नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड पीजीपी, सेम कंडीशन 58(1)(a) में भी ले आए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में एक छोटा सा अमेंडमेंट ये आया कि सब कुछ सेम है, इन्होंने एक ऐड किया सेक्शन 71 सबसेक्शन 3A, जहां पर ये जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जो दूसरे हेड में के साथ जो सेटअप होगा वो मैक्सिमम 2 लाख ही सेटअप हो पाएगा दूसरे हेड में। अपने हेड में तो जितना भी सेट ऑफ करना चाहे कर लेगा, लेकिन जब दूसरे हेड में सेट ऑफ होगा तो मैक्सिमम 2 लाख, और जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो किसी भी अमाउंट में सेट ऑफ हो सकता है। तो हमने एग्जांपल के रूप में दिखला दिया, मान लीजिए हाउस वन से 10 लाख की इनकम, हाउस टू से 15 लाख का लॉस है, ये पूरा सेट ऑफ हो सकता है क्योंकि ये सेम हेड है। अब ये जो 5 लाख रुपया का लॉस है वो सैलरी के साथ सेट ऑफ करना चाह रहा है, तो ये मैक्सिमम 2 लाख ही सेट ऑफ हो पाएगा, ठीक है, किसी भी हेड के साथ। यहाँ पर सैलरी एग्जाम्पल है, लेकिन किसी भी हेड के साथ, तो सैलरी 10 लाख आ गया, बाकी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लेगा 8 साल के लिए, और जब कैरी फॉरवर्ड होकर तो अपने ही हेड में सेटअप होगा, तो वो किसी भी हेड में सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट, एटीसी टू एटीयू में एक एटीसीसीडी का जो कंडीशन था, जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10%, यहां पर गलत लिखा हुआ, अगर वो इंप्लॉय है तो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सास, और सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है,
और इंप्लॉई में सेल्फ कंट्रीब्यूशन 10%, तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल रहा है उसको 10+10 20% का मिल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में पहले सिर्फ 10% का मिला करता था, इक्वालिटी नहीं आ रही थी, तो इसको अब 20% कर दिया गया है ऑफ क्रॉस टोटल इनकम। ATCCG हट गया है, पहले भी हम लोग नहीं पढ़ाते थे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में जो कैश डोनेशन की लिमिट 10,000 थी, अब उसे 2,000 कर दिया गया है। याद रखिएगा पर ट्रांजेक्शन है ये, 2000 पर ट्रांजेक्शन। TDS में एक नया सेक्शन लेके आए 194IB, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।